Assalamualaikum student, class UKG science book page number 42. आज हम पढ़ेंगे good manners and habit, अच्छे आदाब और अच्छे आदतें के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Take the good habit and manner you follow. बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स की पिक्चर्स दिए हैं. हमें इन पिक्चर्स को देखना है. बच्चों, आप लोगों को उन गुड हैबिट और गुड मैनर्स को टिक करना है जो आप फॉलो करते हो. तो बच्चों, आप देखते हैं कि पहले पे क्या है. स्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम. क्या बच्चे, आप टाइम पे सोते हो या टाइम पे उठते हो? तो अगर बच्चों आप टाइम पे सोते हो या उठते हो तो आपको इस गुड हैबिट को क्या करना है, टिक करना है. ड्रिंक मिल्क एवरी डे. तो बच्चों, क्या आप हर रोज़ दूध पीते हो? अगर आप हर रोज़ दूध पीते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है. इसके बाद बच्चों, ईट विथ द माउथ क्लोज्ड, डू नॉट ड्रॉप फूड ऑन द टेबल. क्या बच्चों, आप मुंह बंद करके खाना खाते हो और टेबल पे खाना नहीं गिराते हो? तो आपको इस गुड मैनर को टिक करना है. ठीक है बच्चों. इसके बाद थ्रो रबिश ओनली इन द डस्टबिन. तो बच्चों, क्या आप गंदगी सिर्फ डस्टबिन में फेंकते हो? अगर आप डस्टबिन में फेंकते हो तो आपको क्या करना है, इनको टिक करना है. ठीक है बच्चों. इसके बाद कीप द हाउस क्लीन. अगर बच्चों आप अपने घर को साफ रखते हो तो आपको इसको टिक करना है. हमें हमेशा अपने घर को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. हेल्प एंड रेस्पेक्ट अवर एल्डर. हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए. क्या आप अपने एल्डर की हेल्प करते हो और रेस्पेक्ट करते हो? अगर आप एल्डर्स की हेल्प और रेस्पेक्ट करते होगे तो इसको क्या करना है, टिक करना है. ओबे अवर टीचर्स. अगर आप अपने टीचर्स की बातों को मानते हो तो आपको इसको टिक करना है. शेयर अवर थिंग्स विथ अदर. अगर आप अपनी कोई भी चीज़ दूसरों को शेयर करते हैं तो आपको इसको टिक करना है. ठीक है बच्चों. तो ये सब क्या है, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स हैं. अगर आप इनमें से किसी गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आपको इसको टिक करना है. ठीक है बच्चों. आपको घर में अच्छी तरह से पढ़ना है और इस होमवर्क को अच्छी तरह से करना है. थैंक यू.